हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुट ऑन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। उसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन हमने डिस्कस करा था, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आता है। और फिर हमने एक देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जो हैलाइड्स होते हैं या फिर हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड एंड पॉलीहैलाइड्स हमने देखा था। फिर उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे होमवर्क के लिए। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको पॉलीहैलाइड का एक कंपाउंड दिया था, जो कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। और मैंने आपसे पूछा था कि इसके जो है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन दिया था जो कि बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए था, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BHC क्या नाम होता है? BHC, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसकी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि NCERT में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, अगर हम बात करें, मैंने आपसे इसमें पूछा था कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। सो ध्यान रखेंगे इसके GI जो बनते हैं वो टोटल GI कितने बनते हैं, टोटल GI इज 8, क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल 8 बनते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 कैसे बनते हैं, तो आप आइसोमेरिज्म का जो हमारी सीरीज है उसको जाकर ये देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल समझाया हुआ है कि इसके टोटल 8 आइसोमर किस तरीके से बनते हैं, सही है। मैं एक बार के लिए सिंपल सा थोड़ा सा रैपिडली बता देता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। देखो, फर्स्ट आप इन सबको किस पर रख सकते हो, वेज पोजीशन पर रख सकते हो, यानी कि अप रख सकते हो, या फिर आप इसको डाउन रख सकते हो। दोनों में से कोई एक पोजीशन सेलेक्ट कर लें, हम इसको सबको वेज पे रख दें। तो पहले हम सबको वेज रखेंगे, तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगी, फिर 1-2 एक ये बनेगी, फिर 1-3, मतलब यानी कि सबको अगर मैं वेज रखूँगा तो हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर मैं क्या करूँगा, मैं 1 और 2 को डैश कर दूँ, सही है, यानी कि 2 को डैश करा जा सकता है। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं सबको वेज पर रखूं तो 1, फिर 1 को मैं डैश कर देता हूं तो 2 स्ट्रक्चर बनेगी, फिर 1 को डैश करने की एक ही पॉसिबिलिटी है, फिर 2 को डैश करने की 3 पॉसिबिलिटी है। 2 को डैश करने की 3 पॉसिबिलिटी कैसे है, 1-2, 1-3, 1-4, सो 3 और 2 ये 5 हो चुके हैं पहले से ही। फिर उसके बाद में हमारे पास में 3 डैश करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 3 डैश करने की देखो हमारे पास में 1, 1, 2, 3, एक बार हम इन तीनों को डैश कर सकते हैं तो 6 स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। फिर एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डैश करके इसको डैश कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 4 कर सकते हैं, फिर उसके बाद में 1, 3, 5 कर सकते हैं। सो आंसर इज 8, तो टोटल 8 आंसर आएंगे। जिनको अर्ली नहीं समझ में आया, भाई आप लोग वीडियो देखें जा करके, वीडियो में आपको डिटेल में पूरा ड्रॉ करके बताया गया है कि कैसे ये बनता है, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की, अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे हमारे पास में 2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम यहाँ 2 को डैश कर रहे होंगे, इसको डैश कर रहे होंगे, तो इसमें कोई प्लेन ऑसिमेट्री नहीं आएगी। जब इसमें प्लेन ऑसिमेट्री नहीं आएगी तो इसका एक मिरर इमेज और कंसिडर करा जाएगा। तो टोटल स्टीरियो, अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर, टोटल SI यानी कि स्टीरियो आइसोमर की बात करें, सो टोटल स्टीरियो आइसोमर तो आ जाएंगे हमारे पास में 9। एंड अगर हम इसी में अगर हम डिस्कस करें क्या ये मीजो कंपाउंड है, सो यस इट इज़ अ मीजो कंपाउंड, क्लियर। तो ये सब मैंने आपको आइसोमेरिज्म वाली सीरीज में करवा रखा है। आइसोमेरिज्म वाली सीरीज अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, उस पर बहुत अच्छे से व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आप भी जाकर के उसको ज़रूर से देखें और अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको भी आप लोग सॉल्व करें, क्लियर। सो ये तो हो गया हमारा होमवर्क। एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था कि हमने अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जोड़ के एक CL जोड़ा है तो वो बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है, लेकिन अगर हम 2 कर देते हैं तो क्या बनता है। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर मैंने ये लिखा है CH2Cl, इट इज़ बेंजाइल क्लोराइड, सही है। एंड अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो 2 हेलोजन जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल हैलाइड। अब ध्यान रखना, अगर मैं 3 करता हूँ तो इसका वैसे कोई खास कॉमन नेम है नहीं, बट हाँ ध्यान रखना, अगर आपने इस कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री करी गई है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं,
तो बेंजो हैलाइड इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ये नाम लिखा नहीं जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपसे पूछा था, आई होप आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व करा होगा। चलिए अब हम वापस आते हैं और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से नोट कर लें, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग IUPAC नॉमनक्लेचर करने वाले हैं। IUPAC नॉमनक्लेचर के साथ साथ हम लोग जो है कॉमन नेम भी देखने वाले हैं। तो देखो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट होमवर्क, है ना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है आपके पास? NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करने हैं। जितने भी आपके पास IUPAC से रिलेटेड अगर आपके पास में क्वेश्चंस होंगे, इंटेक्स क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में, आप उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे NCERT के अंदर एग्जांपल दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी है, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्लियर। सो ये तो आपका होमवर्क रहेगा जो आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक्स हैं नॉमनक्लेचर आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बेसिक्स है। सो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CS3Cl फर्स्ट अगर हम बात करें, तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं? इट इज मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है आपके पास? मिथाइल क्लोराइड है। या फिर अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं, तो IUPAC नाम क्या होगा इसका? क्लोरो मिथेन इसका IUPAC नेम है। तो जो ऊपर लिखूंगा मैं वो कॉमन नेम होगा, जो नीचे लिखूंगा मैं वो IUPAC नेम होगा, क्लियर। सेकेंड अगर हम बात करें, बताओ अगर मैंने ये लिखा CH3CH2Cl, तो इट इज इथाइल क्लोराइड। एंड अगर हम बात करें सेकेंड इसका IUPAC नेम, तो ये क्या आ जाएगा? क्लोरोइथेन इसका नाम आ जाएगा। सिमिलर अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल की, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा CH3CHCl, फिर यहां लिखा मैंने CH3। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आप याद रखेंगे, इट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या है ये? इट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एंड अगर मैं इसका कॉमन नेम IUPAC नेम लिखता हूँ, सो IUPAC नेम बहुत सिंपल है, 1, 2, 3, यानी कि 2 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोपीन, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखें, वैसे तो ये आइसो नहीं होना चाहिए था, बट ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आइसो तभी होता है जब हम आइसो कंपाउंड से वैलेंसी फ्री करते हैं, जबकि ये आइसो कंपाउंड नहीं है। ये तो होना तो सेकेंडरी चाहिए था, बट इसको लिखा आइसो जाता है, ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शन है। मैं फोर्थ एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। CH3CH2CHCH3, मैं एक बार के लिए इसको नीचे लिख देता हूँ CH3, और यहाँ CL। अब आपको लगेगा कि ये भी तो आइसो हो सकता है, आइसोब्यूटाइल, बट दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्सेप्शन है आइसोप्रोपाइल ही, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आइसो से अगर आप वैलेंसी हटा रहे हैं, तो आइसो के लिए आइसो होना रिक्वायरमेंट कंडीशन है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप इसके लिए बहुत सिंपल सा, इट इज 2 डिग्री, तो आप इसको लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं, सो इट इज 1, 2, 3, 4, सो क्या आएगा? 2 क्लोरो, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? 4 कार्बन है, इट इज ब्यूटेन। फिर फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे आइसो लिखना होता तो फिर मैं कैसे लिखता? सो ये बहुत सिंपल है, CH3CHCH, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH2Cl। अब ये आइसोब्यूटाइल है, क्लियर। सो दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, सो इट इज 1, 2, 3, सो क्या लिखा जाएगा इसको? 1 पे तो क्लोरो आ रहा है, सो 1 क्लोरो, फिर क्या आएगा आपके पास में? 2 मिथाइल, और ये आ जाएगा प्रोपीन, सॉरी, हाँ 3 ही कार्बन है ना, प्रोपीन आ जाएगा, क्लियर। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फिर अगर हम 6 की बात करें, एक एग्जांपल है हमारे पास CH3CH, या ऐसे लिखूं
जैसे ये है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये तो नियोपेंटाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। और अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि बिना 11th का बेसिक बेस जो है क्लियर करे आप कभी भी 12th क्लास में मूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको अगर एन आइसो नियो के अंदर दिक्कत आती है, आपको ये नहीं पता होता कि सेकेंडरी कब बनेगा, आपको ये नहीं पता कि वो आइसो कब बनेगा, तो उसके लिए आप क्या करो, हमारी आइसोमेरिज्म की एक सीरीज़ है जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म बता रखा है, जिसमें जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो मैंने वहाँ पे वैलेंसी कैसे हटाई जाती है वो बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। एंड जो वहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब हर एक चीज़ लेक्चर के बीच में हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस किस तरीके से जो है वैलेंसी हटाई जाती है, क्लियर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। सो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CH2CH2CH3, इसका नाम है एन ब्यूटेन, क्लियर। अगर मैं इससे फर्स्ट वाले कार्बन से वैलेंसी हटा दूँ, क्या हटा रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले कार्बन से वैलेंसी हटा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एन ब्यूटाइल, सही, वाई एल लग जाएगा एक वैलेंसी हटाने पर। सिमिलर अगर मैं सेकेंड वाले कार्बन पर हटाता हूँ, सो इट इज CH2CH2CH3 ऐसा बनेगा, और यहाँ से एक वैलेंसी हट जाएगी। अब आपको लगेगा कि आइसो है, बट ये आइसो नहीं है, क्योंकि आइसो के लिए आइसो होना रिक्वायरमेंट कंडीशन है। तो ये बताओ वैलेंसी कौन से कार्बन से हटा रखी है, 2 डिग्री से, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी, और ये 4 कार्बन है तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। इसी तरीके से एक एग्जांपल है हमारे पास में CH3CH2CH3। अब इसमें देखो ध्यान से इसमें क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट वाले कार्बन से हटाऊं तो आंसर बनेगा CH3CH2CH2, और यहाँ से फ्री वैलेंसी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एन प्रोपाइल, सही है। वहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंड कि हमारे पास में सेकेंड वाले कार्बन से हटाया जाए तो CH3CH CH3, और यहाँ से वैलेंसी हट जाएगी। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या होना तो ये चाहिए था कि ये सेकेंडरी होना चाहिए था, बट ये सेकेंडरी नहीं हो करके इसको हम एक्सेप्शनली क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। बाकी ध्यान रखेंगे आइसो के लिए आइसो होना ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH3CH2CH3, थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ CH3CH2, फिर यहाँ CH3 आ जाएगा CH2, एंड यहाँ बन जाएगा आपके पास में एक CH3 लिख दो पहले, तो ये जो है इट इज़ आइसोब्यूटाइल, और इस आइसोब्यूटाइल पर अगर आप फर्स्ट वाले कार्बन पर वैलेंसी हटाते हो तो ये बनेगा कुछ इस तरीके का CH3CH CH3CH2, और ये फ्री वैलेंसी आ जाएगी, ये नाम बन जाएगा इसका आइसोब्यूटाइल, क्लियर। सिमिलर अगर आप नियो के कंसीडर करते हो, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है आपके पास CH3CH3, इट इज नियोपेंटेन, और अगर आप इसके फ्रंट वाले कार्बन से फर्स्ट वाले कार्बन से हटा दो सो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3CH3CH2, फिर यहाँ फ्री वैलेंसी, ये आ जाएगा नियोपेंटाइल, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये चैप्टर पूरा चेंज ही हो जाएगा कि हम क्या ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको, जो कचरा मैंने यहाँ पे करा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। जगह थोड़ी कम थी इसीलिए सारा यहीं लिखना पड़ा, बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप आइसोमेरिज्म के लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्लियर। चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो देखें इसका नाम समझ में आया आपको, इसी तरीके से हम 7th एग्जांपल करने वाले हैं। सो 7th हमारे पास में एग्जांपल कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बताओ इसका नाम क्या है, कॉमन नेम इज विनाइल क्लोराइड, और इसका UPC नेम क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 और 2, सो नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरो,
इथीन बन जाएगा, सही है। इसी तरीके से एट्थ नंबर एग्जांपल है हमारे पास CH2, फिर यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH, फिर आएगा CH2Cl, दिस इज एलाइल क्लोराइड, और इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा। सो अब की बार हमें ध्यान रखना है नंबरिंग यहाँ से करनी है 1, 2, 3। सो नाम क्या बनेगा, 3-chloro, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। क्योंकि ध्यान रखना हैलोजन की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पर रखते हैं। फिर 9th नंबर एग्जांपल इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं हम लोग, अगर हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाता है, पहले साइक्लो लिखा जाता है, फिर टोटल कितने कार्बन है, इसका नाम आएगा साइक्लो एक्साइल क्लोराइड, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1-chloro साइक्लोहेक्सेन, क्लियर। सो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 10th एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर मैं बाईसाइक्लो का नाम लिखूं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो बाईसाइक्लो का बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें बाईसाइक्लो कैसे लिखा जाता है, अब बाईसाइक्लो में इम्पॉर्टेंट है आप जब भी नंबरिंग करेंगे वो हमेशा इस ब्रिज कार्बन से करेंगे, चाहे कुछ भी लगाओ, और रोटेशन हमेशा लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ जाएंगे, सही है। सो 1, फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ आएगा 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर। ये जो दो कार्बन होते हैं दीज आर नोन एज ब्रिजड कार्बन, ब्रिजड कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा जाता है, 2-chloro, सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे 2-chloro, फिर हम लोग लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर यहाँ 3 वैल्यू लिखी जाती है एक्स वाई जेड के टर्म्स में। सो एक्स होता है नंबर ऑफ कार्बन इन लार्ज रिंग, तो नंबर ऑफ कार्बन इन लार्ज रिंग कितने, 1, 2, 3, 4, सो आंसर आएगा 4 डॉट। फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग में कितने हैं, 2। फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट बिटवीन ब्रिजड कार्बन, तो ब्रिजड कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, सो आंसर आएगा 0। एंड यहाँ पे नाम बन जाएगा आपके पास में टोटल ऑक्टेन, क्लियर। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो ये हमारे पास में बाईसाइक्लो है, इसी तरीके से आप स्पायरो भी लिख सकते हो, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ईजिली आप इसको कर सकते हो। तो फटाफट से आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिनका आप आईपीसी नेम ज़रूर लिखें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट हमारे पास में और 10 क्वेश्चन है, इनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको खुद से कराऊंगा, क्लियर। सो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगर मैं इस स्पायरो की बात करूँ तो स्पायरो के लिए हमेशा याद रखेंगे कि जो नंबरिंग होती है वो स्मॉल रिंग से स्टार्ट करी जाती है, और हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यहाँ 9 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1-chloro, फिर हम लोग लिखेंगे स्पायरो। अब इसमें दो ही नंबर आएंगे, एक तो नंबर आएगा नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉल रिंग विच इज 3 डॉट, नंबर ऑफ कार्बन इन लार्ज रिंग विच इज 5, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 9, सो ये बन जाएगा नोनेन। अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो आप इसका नाम खुद से लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका नाम लिखेंगे तो देखें बहुत सिंपल है, आपको डिसाइड करना है कि किसकी प्रायोरिटी पहले आएगी, NO2 की Cl की, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, Cl पहले आता है, तो फर्स्ट नंबर इसका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो आंसर इज 1-chloro 4-nitro एंड साइक्लोहेक्सीन। ये आप होमवर्क करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर। हालांकि बहुत सिंपल है, एक रूल लगता है लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, उसको आप लोग यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसको भी आप लोग खुद से करेंगे, ये होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये 17th की बात करूँ तो 17th कैसे करा जाएगा, सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर पे फिनाइल आ रहा है, जबकि 1 नंबर यहाँ पे 2 नंबर पे सीएल आ रहा है। सो इधर से अगर हम करें 1, 2, 3, और इधर से अगर हम करें 1, 2, सो यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। सो अगर हम बात करें इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा 4-chloro, 4-chloro के बाद में क्या लिखा जाएगा आपके पास में, 1-phenyl,
फिर उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5, तो पेंट टू ईन इसका जो है नाम आ जाएगा। क्लियर? अब देखो 18th का कैसे करेंगे। सो 18th में दो जगह Cl है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेन चेन में होगा। तो हम इस बड़ी वाली रिंग को मेन चेन में कंसिडर कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूट चेन है, साइड चेन है। साइड चेन के अंदर भी अगर हम बात करें तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो अब आप यहाँ से नंबरिंग करो 1-2-3-। क्लियर? सो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 1-क्लोरो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में क्या लिखा जाएगा आपके पास, 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है 2-क्लोरो प्रोपाइल। फिर इसको क्लोज कर देंगे एंड आंसर इज साइक्लो हेक्सीन। क्लियर? तो इसका भी आप लोग खुद से नाम लिखेंगे एंड इसका भी आप लोग खुद से नाम लिखेंगे। बहुत ही बेसिक सा है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये आपके पास में मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आपको आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर से नाम लिखना भी दिया गया है और नाम से स्ट्रक्चर बनाना भी दिया गया है। इवन आपको कंडेंस फार्मूला भी दिया गया है, जिससे आप प्रॉपर बॉन्ड लाइन नोटेशन बना करके फिर आईयूपीएससी नेम लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एंड जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप मुझसे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। क्लियर? सो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो होंगे, या एनसीईआरटी का जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग लास्ट जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपरली सेपरेट एनसीईआरटी का सेशन हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे, हम सारे क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको आईपीसी नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक सा ये टॉपिक है। तो आपने आईपीसी पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत ही बेसिक सा आज जो आइसोमेरिज्म होता है, 2-3 एक चीज़ें जो हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है, मैं सिर्फ वही बताऊँगा। एंड फिर फाइनली हम लोग जो है इस चैप्टर में जंप करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइलाइड। उससे भी पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो भी एल्काइलाइड हमारे पास में है। क्लियर? सो बहुत ही बेसिक सा ये आज का लेक्चर है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी होमवर्क दिया है उसको सॉल्व करें, एनसीईआरटी ज़रूर सॉल्व करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। डाउट जो है उसको भी कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है एल्काइलाइड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। क्लियर? सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।